देखिए ये क्वेश्चन है, वाई जेड वाई प्लस जेड डी एक्स प्लस जेड एक्स एक्स प्लस जेड डी वाई प्लस एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी जेड इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन नंबर वन, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई करेंगे, हमें आप दिखाई दे रहा है होमोजेनियस है, एक्स की जगह जेड यू वाई की जगह जेड वी रखा, इसके बाद फिर डी एक्स का हो गया डेरिवेटिव जेड डी यू प्लस यू डी जेड, डी वाई का हो गया जेड डी वी प्लस वी डी जेड, इक्वेशन नंबर वन में डाल दिया। जैसे ही डालेंगे यहाँ हो गया वी जेड स्क्वायर प्लस वी जेड प्लस जेड, फिर हो गया जेड डी यू प्लस यू जी यू डी जेड यू जेड स्क्वायर, फिर हो गया यू प्लस जेड, फिर हो गया जेड डी वी प्लस वी डी जेड, फिर यू वी जेड स्क्वायर यू जेड प्लस वी जेड डी जेड, ये पूरा रखा। अब आपको दिखाई दे रहा है ये जो इक्वेशन बनी हुई है सोल्व करके जो आई है, इसमें से पूरी में से जेड क्यूब हर जगह से कॉमन है, जेड क्यूब कॉमन लेकर काट दिया, तो पहली लाइन में और जहाँ लिखा है वी इंटू वी प्लस वन, देखिए जेड स्क्वायर यहाँ है जेड यहाँ, तो जेड क्यूब आ जाएगा, वी वी इंटू वी प्लस वन जेड डी यू यू डी जेड यू यू प्लस वन जेड डी वी प्लस वी डी जेड फिर प्लस यू वी यू प्लस वी डी जेड, फिर यहाँ से वी इंटू वी प्लस वन इसको वी वी प्लस वन जेड डी यू के साथ ऐसे ही डी वी अलग कर दिया, डी यू अलग डी जेड अलग। अब जेड वाले जो जेड यहाँ से कॉमन लेकर डी जेड के अपॉन में ले गए, टू यहीं रखा, और ये यू वी इंटू यू प्लस वी प्लस वन इनके अपॉन में ले गए, वी से वी काट दिया यू से यू काट दिया, यहाँ से फिर ये हो गया वी प्लस वन अपॉन यू इंटू यू प्लस वी प्लस वन डी यू, ये इतना बचा, इसका पार्सल फ्रैक्शन कर दिया, आंशिक भिन्न जिसको हिंदी में कहते हैं, वन अपॉन यू माइनस इसका एलसीएम लेकर देखो यही आ रहा है, इसी तरीके से इसका कर दिया है, इसको अलग कर दिया, इन दोनों को इसको और इसको दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिख दिया, इसका इंटीग्रल लॉग यू हो गया, इसका लॉग यू प्लस वी प्लस वन हो गया प्लस लॉग वी प्लस टू लॉग जेड प्लस बराबर लॉग सी हो गया, सबके लॉग हटा दिए, यू वी जेड स्क्वायर यू प्लस वी प्लस वन हो गया इक्वल टू सी हो गया, यू की वैल्यू एक्स अपॉन जेड वाई की वैल्यू वाई अपॉन जेड रख दिया, वी की सबको सॉल्व करा, आपके पास इतना ही आ गया। दोबारा देख लीजिए, देखो ऐसे किया, यहाँ से स्टार्ट किया, फिर होमोजीनियस इक्वेशन ये रखते हुए चले गए, ये रख दिया सभी में, यहाँ से रखने के बाद ये टर्म रखी, फिर यहाँ तक ये ऐसे किया, इसके बाद इक्वेशन नंबर टू में रख दिया, ये वाला होता गया यहाँ तक ये सॉल्व हुआ पूरा आपका।